अब हम देखते हैं एफ कैसे लिखे इटैलिक बोल्ड में जैसे हमने पहला हमारा डेली का जो वर्क है पेज फोल्ड करने का ये नहीं भूलेंगे पेज फोल्ड करेंगे क्योंकि हम राइटिंग रिफॉर्मिंग सीख रहे हैं सिंगल लाइन पर और बहुत सारे लोग फोर लाइंस के रजिस्टर पर सीखते हैं नोटबुक पर, पर सीखते हैं हम सिंगल लाइन के नोटबुक पर रजिस्टर पर सीख रहे हैं इसलिए फोल्ड करना नहीं भूलेंगे देखो ऐसे फोल्ड करेंगे फिंगर सर्कुलेट करेंगे और ये नेल ड्रैग करेंगे ताकि फोल्डिंग लाइन क्लियर दिखाई दे इफ ये नेल ड्रैग करोगे ना तो ये लाइन फोल्डिंग लाइन फोल्डिंग वर्टिकल लाइन क्लियर दिखाई देगी देखो अब देखते हैं ई कैसे लिखे पहले हम देखते हैं सिंगल एफ अब हम देखते हैं एफ कैसे लिखे एफ अब तो हमें एफ लिखना है ना शायद हमने E कहा लेकिन E तो अभी सीखा हमने ये एफ सीखना है हमें एफ पहले हम देखते हैं एफ पहले हम देखते हैं है सिंगल एफ सिंगल एफ को कैसे लिखे देखो पेन को ऊपर रखेंगे ऊपर रखकर नीचे क्रॉस आएंगे इसे क्रॉस आकर इस हॉरिजेंटल लाइन पर रोक देंगे फिर इसे टच करते हुए ऊपर जाएंगे थोड़ी सी टिप इधर निकालेंगे थोड़ी टिप इधर निकालेंगे टिप मिस नोक टिप मिस नोक थोड़ी नोक इधर थोड़ी नोक इधर ये वो एफ देखो ऊपर रखेंगे पेन नीचे क्रॉस आएंगे टच करके जाएंगे थोड़ी टिप इधर थोड़ी टिप टिप इधर देखो ऊपर रखेंगे पेन नीचे क्रॉस आएंगे लाइन पर रोक लेंगे टच करके ऊपर जाएंगे थोड़ा फिर थोड़ी टिप इधर थोड़ी सी टिप इधर ये वो एफ फिर देखो ऊपर से नीचे आओ क्रॉस नीचे आएंगे टच करके थोड़ा ऊपर जाएंगे थोड़ी सी टीप इधर थोड़ी सी टिप इधर ये हॉरिजेंटल जो शॉर्ट लाइन ले रहे हैं ये लाइन शॉर्ट ही होना चाहिए इस लाइन को इस लाइन का विर्थ तो नहीं बढ़ाएंगे चौड़ाई इस लाइन की विर्थ तो नहीं बढ़ाएंगे वरना ये एफ बराबर दिखाई नहीं देगा मिस अच्छा ही दिखाई नहीं देगा अब इस एफ़ को हम दूसरे अल्फाबेट के साथ देखते हैं कैसे अल्फाबेट के साथ मिलाकर लिखेंगे तो हमें हैबिट होगा कि वर्ड में इसको कैसे यूज़ करें देखो फोल्डिंग लाइन के साथ ही नीचे आएंगे इस फोल्डिंग लाइन पर पेन रखेंगे पेन रखकर पहले हम ए लिखेंगे ये ए ये बी ये सी डी ये ई ऊपर से नीचे आएंगे क्रॉस नीचे आएंगे रुक जाएंगे टच करके ऊपर जाएंगे फिर ये ओरिजेंटल लाइन याद रखें ये जो हॉरिजेंटल लाइन है आड़ी लाइन आड़ी को हॉरिजेंटल कहेंगे ये हॉरिजेंटल लाइन ये आड़ी लाइन ये हॉरिजेंटल लाइन को इस सर्कल के इक्वालिटी में लेंगे इस, इसके बराबरी में लेंगे ये सर्कल और ये हॉरिजेंटल लाइन सब एक लाइन में होना चाहिए ये ओरिजेंटल लाइन ऊपर भी नहीं होनी चाहिए नीचे भी नहीं होना चाहिए ये सब एक लाइन में होना चाहिए ओके इतना याद रखेंगे देखो ए बी सी डी ई एफ फोल्डिंग लाइन से नीचे आएंगे फोल्डिंग लाइन को पकड़कर नीचे आएंगे फोल्डिंग लाइन नहीं छोड़ेंगे वरना हमारी लाइन क्रॉस हो तो जाएगी बी सी डी ई, एफ ए बी, सी डी ये ई एफ ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए ये पूरा लाइन लिखना ऊपर से नीचे तक लिखेंगे ये फर्स्ट फोल्डिंग लाइन और ये सेकेंड फोल्डिंग लाइन भी ऐसे ही लिखेंगे और ये थर्ड फोल्डिंग लाइन भी ऐसे लिखेंगे ऐसे एफ तक ऐसे थ्री लाइन्स वन वन टू थ्री थ्री लाइन्स लिखेंगे तो हमें लिखने का हैबिट हो जाएगा ओके अब जी लिखने के लिए अगला क्लिप देखना चाहिए अगला क्लिप देखो जी के लिए